अरे भैया गोटे छोड़ दो मेरे, आपके बच्चे के चक्कर में मेरे बच्चों को क्यों पैदा होने से पहले ही मार रहे हो, पाप लगेगा। अरे तो भाई पिछली वाली वीडियो में हमें डचुए के लौंडे के बारे में क्लू पता लगा था। जिसके पास डचुए का लौंडा था हमें उसके बारे में पता लग गया था। और हमने फिर एक चची वाला मिशन भी किया था, उसे कोई मतलब लौंडे परेशान वेशान करे थे, वो थोड़ी सी दूर का मिशन था बेस का, तो मैं सोचा चलो यार पहले उसे ही कर लूँ। और आ जा डचुए के पास चलना जरूर, डचुए से बात करें उसके बारे में। अब यार सही बताऊँ यमुना, मुझे पूरा भाई साहब लॉस सैंटोस वाला इलाका लगा है। ऐसा है कि ब्रिज देखा था मैंने GTA में, GTA 5 में। यो सही है यार, घोड़े तैरे कर रहे हैं। भाई पहुंच गए हम डचविया के पास में, चल के बात करके देखें। अरे बेटे हमने सुना है कि जो ब्रोंटी ब्रोंटी है ना, ये बहुत बड़ा कट्टों का व्यापारी है, तो मैं क्या सोचा अपने बेस के लिए इस तरह कट्टे ले लेंगे थोड़ा बहुत। अरे भैया कट्टे तो फट जावे हैं। अरे तू टेंशन काहे को ले रहा है, ऐसा करेंगे कट्टा नहीं कटवाएंगे इस तरह बढ़िया सा। अब भाई उसे ना इसकी गांड में लेके जब चलावेंगे, कट्टा फटा तो इसकी गांड भी फट जाएगी, कट्टा ना फटा तो गांड तो फिर फटेगी। नहीं क्या ना, मैं ऐसी गांड फाड़ना चाहूँ, एंड तो मैं कच्चे बच्चे दोनों का बदला पूरा हो जाएगा कतई। अरे भैया फिर तो कल अखबार में खबर आएगी, कट्टा लेने पहुंचे युवकों ने सप्लाई की गांड में चला के किया टेस्ट, गांड की हालत गंभीर। अच्छा तो भाई साहब साफ नहीं है उसका बंदे का घर। अरे भैया गोटे छोड़ दो मेरे, आपके बच्चे के चक्कर में मेरे बच्चों को क्यों पैदा होने से पहले ही मार रहे हो, पाप लगेगा। तो भैया गार्ड तो पेल दिया डच भैया ने। ओ भाई डच भैया पे भी दूसरा हथियार है। अभी तो हमने हाथ ऊपर कर लिए, डच भैया ने अपना कट्टा दे दिया, लेकिन अभी हमारे पे दूसरा हथियार है उनसे डील करने के लिए। हम कह रहे हैं कि भैया हम शांति में आए हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए, बस हमें बात करनी है उससे। तो भाई अभी तो थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई की बात हुई थी, अभी इनने हमें दारू वारू दे दी। तो यार पहले इनकी बात सुन लो फिर से बताऊंगा सीन क्या हुआ था। हाँ तो भाई अब तुम्हें बताऊँ कि सीन क्या हुआ था। तो भाई अभी जैसे हम इस बंदे के यहाँ पे आए थे, हमने कही थी कि भैया हम तुमसे कुछ लड़े वड़े करने आए नहीं, हम शांति से आए हैं तुमसे बातचीत करें। तो भाई जो एक इटालियन बंदा है, तो इसने मतलब डच भैया ने हमारे से कही थी कि जो मतलब वो है ना डच भैया का लोंडा, को ये कही थी कि तुमने इसका लोंडा क्यों उठा लिया। तो भाई ये कही थी डच भैया ने कि देखो कोई हमारी पर्सनली वैसे तो बात है नहीं कि भाई पर्सनली कुछ लड़ाई वड़ाई हुई हो कुछ ऐसा हो, तो भाई तुमने इसका लोंडा नहीं उठाना चाहिए था, और मतलब हम चाहें शांति से बात करना है। तो उसने कही कि भैया तुमने लिक्कर का बिजनेस बर्बाद किया था उसका चाची का, तो भैया इसलिए बंदा उठा लिया। और भाई अब मैं अगर तुम एक काम करोगे तो मैं उसे लोंडे को वापस तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि भाई कुछ पर्सनल उसमें तो है नहीं। और एकदम से फिर वो मैं पता नहीं डच भैया से खुश हो गया था कि ये बंदा मतलब बढ़िया है। तो उसने कही कि मैं तुम्हें तुम्हारा लोंडा वापस दे दूंगा अगर तुम मेरे लिए एक काम करोगे, कोई रोब जगह का सीन है। डच भैया ने कही ठीक है हो जाएगा। तो डच भैया तो वहीं बैठ के हिसाब किताब बनाने, डच भैया काम ही हुआ है कि भैया हिसाब किताब बनाना, अपना गैंग को सुरक्षित रखना क्योंकि भाई बॉस वही है, और हमें भाई किसी लड़ाई वड़ाई के मिशन में भेजा जैसा हमें हमेशा भेजा जा। तो चलो यार टेंशन का बात की है। तो भाई कोई सीमेंट्री है मतलब कोई लाश, उसे ढूंढना है हमें इस कब्रिस्तान में, कोई मतलब ऐसी होगी इजिप्ट की ऐसी मम्मी वगैरह हूँ मैं, ऐसा कुछ सीन होगा इसका। तो मुझे तो लगता नहीं यहाँ पे कुछ हत्या होती होगी ऐसी जरूरत होगी, लेकिन भैया फिर भी साथ रखने चाहिए अपने, इसलिए कट्टा तो भैया अपने हाथ में ही है। एक सेकंड यार अभी हमें कुछ क्लू सा मिला है, किवाड़ है। अंदर तो कुछ खास ना है। एक सेकंड फायरिंग हुई हमारे पे। चलो वो बंदे तो मिल गए जिन्हें हमें देखना है, अब बस देखना है। एक सेकंड, अरे अब तुम्हारा क्या होगा मुन्ना लोग। एक सेकंड हट साले, फटर फटर कर रहा घनी देर तक। अब उसका वो माल ठाले में जिसके लिए उसने कही थी, यार भी अपना काट ना देवे मुझे ऐसा लग रहा। तो क्या भाई अपने साथ ऐसा ही हुआ है, पहले भाई साहब शेरीफों से दोस्ती हुई उन्होंने काट दिया, उससे आंटी से दोस्ती हुई उन्होंने काट दिया, उन्होंने डचुआ का लोंडा उठा लिया। चलो कोई नहीं यार, अब डचुआ का लोंडा छुड़वाने के लिए काम तो करना पड़ेगा, स्टैच ढूंढना है। मैं कुछ मेरे पे इतनी अंग्रेजी भी ना आती, स्टैच ढूंढना पता मुझे हुआ क्या रॉबर्स स्टैश। तो भाई यार वो लोग आ गए जो यहाँ की चौकीदारी कर रहे हैं, और अब हमें ऐसा भगना पड़ेगा। अरे लो जी किवाड़ भी बंद है, अब दुबक दुबक के जाना पड़ेगा यार यहाँ से, इसके पीछे पीछे आना। जाग सी मच गई यहाँ खतरनाक वाली, चक्कू है ना अपने पे बस। अरे बरकुलदार कौन है इधर, ये कौन बदतमीज चक्कू फेंक दिया है, हमारा एक भाई बेल दिया कौन है बे। अरे भाई मर गया, बढ़िया
चलो 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 इसके पीछे चलो, अपना चक्कू बिठाना मुझे यार। स्टेल्थ किल के लिए बहुत सही चीज़ है, फटाफट फटाफट लूट लो इसे और भागो। लो मैंने साले, अबे यार भागना पड़ेगा फटाफट। अबे यार ये भाग क्यों नहीं पाया यार, मैं अटक जा रहा हूँ जगह जगह पे। ओ भाई फाइनली आ गए बाहर, अब निकल लो पहली फुर्सत में यहाँ से। भाई साहब सही बताओ, स्टेल्थ थी बहुत कम है, मतलब आवाज़ होती ना बंदा मर जाए एकदम से। वो मुझे बॉडी रिपोर्ट करने वाला था, वो जो फौज वाला था पुलिस वाला जो भी था, लेकिन भाई बच गए हम। तो भाई उसने जो चीज़ मंगवाई थी कुछ सीमेंट वीमेंट्री, वो तो हम ले आए, अब फटाफट उसके पास चलते हैं बस, फिर वो डच भैया के लोंडे को छोड़ देगा। तो भाई हमने बचा लिया, एक छोटा सा बालक ना था जोन जिसके गले मच्छी पकड़ने गए, वो दाब लिया था इन्होंने हरामियों ने, नाटा बालक। तो भाई यार इस लोंडे को कोई समस्या नहीं हुई वहाँ पे, उन्होंने मतलब बस हमें डराने के लिए पकड़ा होता इस लोंडे को, ऐसे ऐसे भाई बड़े आराम से प्यार से रखा हुआ था तमीज में। जो बात भाई सही है यार, क्या इस लोंडे की तो कोई गलती नहीं थी ना, बकरियाँ सारी हम पेल रहे। इसे उन्होंने काफ़ी सारे इटालियन वर्ड सिखाए भाई, एक अलग कमरा रखा इसे खुद के बेड के साथ में, वो भाई टॉयज वॉयज सब दिए इसे। तो भाई यार उसके लोंडे के आने की वजह से, जैक है उसका नाम, तो भाई इसके आने की वजह से एकदम से सारे खुश हो गए कतई। और मतलब अभी डच भैया ने कही कि हम अपना रेगुलर शेड्यूल पे जावें, हमें थैंक यू कही, और उसे भाई कही जोन को कि भैया अपनी फैमिली के लिए मजे ले। अच्छा तो यार पैसे ही मिले हमें उसके बदले में, जो चीज़ उसने लाने को कही थी उसके बदले में पैसे ही मिले, और भाई दोस्ती तो हो ही गई उससे अपनी। आज यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू हुआ था हमारा गेम, और भाई भगते भगते यहाँ पहुँच गए, वही पता नहीं कितना आगे जाना पड़ेगा। भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, बजाय तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना, मिलेगा अगली वीडियो में।